नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस लेक्चर में। हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट के एनसीईआरटी के क्वेश्चन, और आज का जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के बुक के चैप्टर के अंदर हैं उनको आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप अपनी बुक खोल के उसमें से क्वेश्चन पढ़िए और इसमें से सोल्यूशन देखिए, लिखिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, व्हाई आर सॉलिड आर रिजिड। तो सॉलिड रिजिड क्यों होते हैं? सॉलिड के रिजिड होने का कारण होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से सॉलिड क्या हो जाते हैं? रिजिड हो जाते हैं। ठीक है, ओके। और इसी इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है। तो एक दूसरे से चिपक के रहते हैं और अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाते। ठीक है, अपनी पोजीशन को चेंज ना कर पाना, उनकी पोजीशन फिक्स हो जाना, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं? रिजिड हो जाते हैं। ओके, और इस रिजिड मतलब आप समझिए कि ये जो सॉलिड है, सॉलिड के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो अपनी पोजीशन पे ही एक छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी ऐसे अपनी पोजीशन पे इधर उधर टू एंड फ्रो, यानी अपनी मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो इधर और इधर मोशन करते रहते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके का ही था, वाई डू सॉलिड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। कि सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है यानी आयतन होता है वो डेफिनेट क्यों होता है, यानी फिक्स क्यों होता है, यानी स्थाई क्यों होता है? तो सॉलिड का जो वॉल्यूम है उसका स्थाई होने का जो कारण है वो केवल यही है कि उसके अंदर भी क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है जिसकी वजह से उसकी पोजीशन फिक्स है, यानी वो रिजिड है। पोजीशन फिक्स है तो वो मूव नहीं कर सकते, और मूव नहीं कर सकते तो उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो ये जो गिवन है आपको, इतने सारे केमिकल नेम गिवन है, इतने सारे एलिमेंट आपको दे रखे हैं, इनको आपको क्लासीफाई करना था एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो मैंने क्या किया है, पहले एमॉर्फस सॉलिड लिखा है। तो एमॉर्फस सॉलिड में क्या क्या है, देखिए, पॉलीयुरेथेन, ठीक है, दूसरा है टेफ्लॉन, तीसरा है सेलोफेन, चौथा पॉलीविनाइल क्लोराइड, और पाँचवा है फाइबर ग्लास। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी, टेफ्लॉन आपको पता ही होगा क्या होता है, पॉलीयुरेथेन, ये सारे के सारे आप देख रहे होंगे पॉलीमर है। ठीक है, अगर आप ये फाइबर ग्लास को छोड़ दें, ठीक है, तो सारे के सारे क्या है, पॉलीमर्स है। ओके, दूसरा आप क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में कौन कौन से, नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड, पोटेशियम नाइट्रेट और कॉपर। ठीक है, तो एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार जाके मेरा कोर्स चेक कर सकते हैं सॉलिड स्टेट का, आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा, और आप मेरे अनअकैडमी के लिंक पे भी जाके, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे भी जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि वाई इज़ ग्लास कंसिडर्ड एज अ सुपर कूल लिक्विड। जो आपका कांच है, कांच को हम अति शीतलित द्रव्य क्यों कहते हैं, सुपर कूल लिक्विड क्यों कहते हैं? ठीक है, उसको ऐसा हम ऐसा क्यों मानते हैं कि वो लिक्विड होता है? ठीक है, जबकि हम ये मान हम देखते हैं कि कांच तो हमें सॉलिड दिखाई देता है, ठीक है, ठोस, तो ऐसा क्यों होता है? कि अब आपने, अगर मैं इसको एग्जांपल की तरह बता देता हूँ, जैसे पुरानी खिड़कियाँ होती हैं, बहुत पुरानी खिड़कियाँ होंगी, उनके अंदर कांच लगे होंगे, तो वो कांच क्या हो जाते हैं, नीचे से यानी उनके बॉटम से वो क्या हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। ठीक है, अब वो उनके थिक होने का रीज़न क्या है, कि लिक्विड की टेंडेंसी होती है कि वो फ्लो करता है। अब भाई अगर कांच वर्टिकली लगा हुआ है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा नीचे, तो यानी लिक्विड कहाँ पे फ्लो करेगा, ग्रेविटेशनल यानी नीचे की तरफ, जिसकी वजह से उसकी कांच की जो सरफेस है नीचे वाली, ठीक है, लेयर, वो क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है कि टेंडेंसी होती है उसके अंदर फ्लो करने की, बट उसका फ्लो रेट बहुत स्लो होता है। क्या होता है, फ्लो रेट बहुत स्लो होता है, ज़्यादा स्लो फ्लो रेट होने की वजह से हम उसे क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। फ्लो रेट बहुत स्लो होने की वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉलिड इज ऑब्जर्व्ड टू हैव द सेम वैल्यू अलॉन्ग ऑल डायरेक्शन, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ दिस सॉलिड, वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, सॉलिड का, वो हर डायरेक्शन में एक जैसा मापा गया है, ठीक है, एक जैसा देखा गया, ऑब्जर्व किया गया है प्रेक्षण में, तो हमें इसके ऊपर कमेंट करना है कि वो किस टाइप का सॉलिड है, उसका नेचर क्या है, और क्या उसके अंदर क्लीवेज प्रॉपर्टी होगी या नहीं होगी। तो पहले तो देख लेते हैं कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आंसर देखते हैं, कि जो
ट्रॉपिक सॉलिड होते हैं उनके अंदर क्या होती है, सारी फिजिकल प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, आइसोट्रॉपिक सॉलिड के अंदर जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सारी डायरेक्शन में क्या होगी, सेम होगी। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिजिकल प्रॉपर्टी होने की वजह से वो भी क्या होगी, सारी डायरेक्शन में सेम होगी। बात समझ भाई? तो इसी वजह से ये जो सॉलिड होगा वो कैसा होगा, आइसोट्रॉपिक सॉलिड होगा। और आइसोट्रॉपिक सॉलिड होता है वो कैसा होता है, एमॉर्फस सॉलिड होता है। ठीक है, दो टाइप के सॉलिड होते हैं, एक होता है एमॉर्फस, दूसरा होता है क्रिस्टलाइन। तो ये कैसा सॉलिड हो गया, एमॉर्फस सॉलिड हो गया। और एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है भाई, एमॉर्फस सॉलिड को अगर आप दो इक्वल पार्ट में कट करोगे, ठीक है, तो दोनों का शेप अलग अलग होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, इरेगुलर शेप होगा। कैसा शेप होगा, इरेगुलर शेप। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स इन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑपरेटिंग इन दैम। हमें ये बताना है कि जो सॉलिड्स हमको दे रखे हैं इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स किस तरीके का होता है, कौन सा होता है, यानी मेनली हमें ये बताना है वो किस टाइप के सॉलिड होते हैं। तो आप आंसर में देखते हैं, आंसर में आप देख रहे होंगे कि जो पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट को हमने लिखा आयनिक। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट क्या है, आयनिक सॉलिड है। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट क्या हो गया, K2SO4। ठीक है, तो K2SO4 कैसा सॉलिड हो गया, आयनिक सॉलिड हो गया। ठीक है, अगला दे रखा है टिन। ठीक है, तो टिन कैसा है, मेटालिक सॉलिड। ठीक है, बेंजीन मॉलिकुलर नॉन पोलर सॉलिड। ठीक है, अब बेंजीन आपको मैं बता दूं कि बेंजीन क्या होता है भाई, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वो क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया और मॉलिकुलर हो गया सॉलिड। अच्छा, यूरिया, यूरिया क्या है, पोलर मॉलिकुलर सॉलिड है, पोलर मॉलिकुलर सॉलिड है। तो मैं यूरिया का फॉर्मूला बता दूं कि NH2CO NH2। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना है क्या ये ऑर्गेनिक है या नहीं है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि यूरिया ऑर्गेनिक है या नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अमोनिया। अमोनिया भी कैसा है, पोलर मॉलिकुलर सॉलिड है। ठीक है, वाटर कैसा है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड यानी जो ऑक्सीजन है उसके साथ इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखिए मैं बता दूँ, हाइड्रोजन केवल तीन मॉलिक्यूल के साथ जब जुड़ा होता है, या तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो, या फ्लोरीन के साथ जुड़ा हो, या फिर नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हो। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन तीनों के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट आप देख रहे होंगे जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड के अंदर होता है आयनिक सॉलिड। जिंक सल्फाइड कौन सा होता है, आयनिक सॉलिड। ग्रेफाइट होता है आपका कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कैसा सॉलिड, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप रूबीडियम क्या है। रूबीडियम, रूबीडियम कैसा होता है, मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, और ऑर्गन हमारा क्या हो गया, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। और सिलिकन कार्बाइड हो गया कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एंड ऑनवर्ड्स आगे उसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, रेट कीजिए। ठीक है, नीचे अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई आप कोर्स स्पेशली चाहते तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर कोर्स बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।